देवी पूजि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजि पद कमल तुम्हारे, सकल मनोरथ सफल हमारे। जय श्री अम्बे जय जगदम्बे, जय श्री अम्बे जय जगदम्बे। श्री माँ जय माँ जय जय माँ, श्री माँ जय माँ जय जय माँ, श्री माँ जय माँ जय जय माँ। जय जय श्री अम्बे जय जगदम्बे, जय श्री अम्बे जय जगदम्बे। श्री माँ जय माँ जय जय माँ, श्री माँ जय माँ जय जय माँ, श्री माँ जय माँ जय जय माँ। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल समस्त दुख पाप व्याधियों का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु को हरने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणकारी होता है, अतः ये औषधि के समान है। जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पुजारी जी हमें हमेशा चरणामृत देते हैं। चरणामृत यानी देवी या देवता के चरणों का अमृत। चरणामृत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, और आपने ये भी देखा होगा कि चरणामृत हमेशा तांबे के पात्र में ही रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि तांबे में रखे पानी को पीने से सभी रोगों को नष्ट करने में सहायता मिलती है, हमारे शरीर को तेज प्राप्त होता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और इसमें जल रखकर पीने से रोगकारक विषाणु नष्ट हो जाते हैं। ये तो है बात विज्ञान और आयुर्वेद की, लेकिन हमारे शास्त्र में तो भगवान के चरण के अमृत का बहुत बहुत महत्व दर्शाया हुआ है। इसलिए हमें अवश्य ही प्रतिदिन भगवान के चरण का अमृत ग्रहण करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। श्री मां जय।